गुड इवनिंग एवरीवन, दिस इज समरप्रीत सिंह अरोड़ा एंड आई एम बैक विद क्लास 11th माइक्रो इकोनॉमिक्स लेक्चर नंबर 4। वी हैव बीन कवरिंग द चैप्टर डिमांड। ऑलरेडी इस चैप्टर के 3 लेक्चर्स चैनल पे अपलोड कर चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो पहले जाके उनको देखो, फिर इस लेक्चर के ऊपर आओ। इफ यू रिक्वायर मोर इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग क्लासेस, यू कैन चेक आउट studycircle.com, विच इज ऑफिशियल वेबसाइट। इफ यू वॉन्ट टू एनरोल इन द क्लासेस, both classes are connected both online as well as offline, you can contact 8851399893 and you can download our study circle app from Play Store Android, which is our official app. Now हम लोगों ने एक चैप्टर शुरू कर रखा था डिमांड। इस डिमांड के ऊपर हम लोग 3 लेक्चर्स ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके हैं। दिस इज द 4th एंड द लास्ट चेक लेक्चर ऑफ डिमांड। इस लेक्चर के बाद डिमांड चैप्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, इट विल बी एब्सोल्युटली फिनिश्ड। सो आओ जरा हम इस चैप्टर को आज शुरू करते हैं। Before starting the lecture, I would like all of you to like the video, share it with your friends, comment on the video as it serves as a huge motivation boost and helps the YouTube algorithm as well. Our chapter ko hum log aaj khatam karte hain. आज जो हम लोग टॉपिक इसका शुरू कर रहे हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ग्राफ्स को लेकर कवर करता है एंड वी विल डिस्कस बेसिकली हाउ ग्राफ्स आर मेड इन डिमांड। डिमांड के अंदर हम लोग अलग अलग तरह के ग्राफ्स वगैरह कैसे बनाते हैं। पहला टॉपिक जो आप लोगों को अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा, दैट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। हमारे को आज इस क्लास के अंदर 2 चीजों के बीच का डिफरेंस बहुत क्लियरली समझना है। एक का मतलब होता है मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व एंड एक का मतलब होता है शिफ्ट। ये दोनों ही चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, दोनों का डिफरेंस समझना इज एब्सोल्यूटली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आओ जरा इसे देखते हैं। सबसे पहले जो मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, दैट इज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। इस मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व का मतलब क्या है? हमारे पास एक ही डिमांड कर्व है, हम उस डिमांड कर्व के अलावा किसी और डिमांड कर्व पे नहीं जा रहे हैं। उसी डिमांड कर्व पे या तो हम ऊपर की साइड जा रहे हैं या फिर हम लोग नीचे की साइड जा रहे हैं। वी आर मूविंग अलोंग द डिमांड कर्व, नो न्यू डिमांड कर्व इज बीइंग क्रिएटेड। अब जब मैं इस मूवमेंट की आपसे बात करता हूँ ना, ये मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व को हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हम लोग? चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। अगर आप लोग याद करोगे तो हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर्स में इस बात को डिस्कस किया था दैट किसी भी कमोडिटी को प्राइस को अफेक्ट, किसी भी कमोडिटी की डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स बहुत सारे होते हैं, जिसमें से पहला फैक्टर जो हमारे पास होता है दैट इज प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। क्या होता है हमारे पास पहला फैक्टर हमारे पास होता है प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। जब भी किसी चीज का प्राइस बढ़ता है उसकी डिमांड कम हो जाती है, जब भी किसी चीज का प्राइस कम होता है उसकी डिमांड जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। इसके अलावा वी हैव वेरियस अदर फैक्टर्स। हमारे पास सब्स्टिट्यूट गुड्स होते हैं, हमारे पास कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स होते हैं, हमारे पास इनकम ऑफ द कंज्यूमर होता है, हमारे पास स्टेशन प्रेफरेंसेस होते हैं, हमारे पास फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस होता है, ऐसे अलग अलग फैक्टर्स होते हैं। सिर्फ जो हमारे पास ये पहला वाला फैक्टर है ना, जहां पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइस की वजह से डिमांड कैसे चेंज होगा, इसको हम लोग लॉ ऑफ डिमांड भी कहते हैं, इसको हम लोग मूवमेंट ऑफ द डिमांड कर्व भी कहते हैं, इसको हम लोग चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड भी कहते हैं। अगर आप याद करोगे हमने लास्ट लेक्चर में लॉ ऑफ डिमांड को बहुत डिटेल में डिस्कस किया था, जहां पे वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडेड कीपिंग अदर फैक्टर्स कांस्टेंट सेट एट दिस पैरेबस। अगर आप ध्यान से अपने सामने वाले ग्राफ को देखोगे, मैंने एक ग्राफ बनाया है जहां मैंने एक डिमांड कर्व शो करा है जिसको मैं डीडी कह रहा हूँ। मैंने ये डिमांड कर्व शो करा है डीडी, ये हमारे पास डाउनवर्ड स्लोपिंग है, ये हमारे पास नीचे की तरफ जा रहा है। एंड अगर आप इस डिमांड कर्व को ध्यान से देखोगे, मैंने यहाँ पे ब्लैक कलर से पी और क्यू मार्क करा है, जहां मैंने कहा है पी स्टैंड्स फॉर प्राइस एंड क्यू स्टैंड्स फॉर क्वांटिटी। ये हमारा नॉर्मल है, हमने एक डिमांड कर्व बनाया, हमने उस डिमांड कर्व पे कहा कि नॉर्मल प्राइस ये चल रहा है और क्वांटिटी ये है। अब इस पे आपको शो करने के लिए कि प्राइस बढ़ने से क्या होगा और प्राइस कम होने से क्या होगा, मैंने 2 डिफरेंट कलर्स का यूज करा है। इफ यू कैन सी, एक मैंने यहाँ पे रेड कलर का यूज करा है, एक मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का यूज करा है। व्हेन आई एम लुकिंग एट द रेड कलर, अगर आप ध्यान से देखोगे, प्राइस मैंने पी से पी वन कर दिया, प्राइस जो मेरा था मैंने उसको बढ़ा दिया। पहले प्राइस पी था, मैंने उसको पी वन कर दिया, मैंने प्राइस को बढ़ा दिया। जैसे ही मैंने प्राइस पी से पी वन करा, इसका रिजल्ट क्या निकला? इसका रिजल्ट ये निकला क्वांटिटी जो है ये क्यू से क्यू वन कम हो गई, क्वांटिटी जो है ये क्यू से क्यू वन कम हो गई। नाउ रीजन क्या है? जैसे ही प्राइस बढ़ता है क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाती है। इसी सेम ग्राफ के अंदर अगर मैं प्राइस को कम कर दूं, अगर मैं प्राइस को पी से पी टू कर दूं, तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा? उसका रिजल्ट मेरे पास ये निकला कि मेरी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो क्यू से क्यू टू की तरफ चली जाएगी। इसीलिए मैंने आपकी स्क्रीन पे ये चीज साफ साफ लिखी है, क्यू से क्यू टू जो वो जा रही है, जो आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, इसे हम लोग एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं।
क्या कहते हैं हम इसको, हम इसे कहते हैं एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। और जो आपकी डिमांड कम हो रही है, ये क्यू से क्यू वन हो रही है, इसे हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे, वी कॉल इट कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड। तो आज की क्लास का जो पहला कॉन्सेप्ट मैंने डिस्कस करा आपके साथ में, मैंने कहा हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि प्राइस चेंज का क्या असर पड़ता है डिमांड के ऊपर। हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में इनवर्स रिलेशनशिप है। प्राइस बढ़ेगा क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, प्राइस कम होगा क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। इसी चीज को शो करने के लिए मैंने आपके सामने ग्राफ शो करा, जहां पे ब्लैक कलर से चीजें आपके पास लिखी हैं पी और क्यू, ये नॉर्मल आपके पास है। रेड कलर से अगर प्राइस को बढ़ा दूंगा तो क्यू से क्यू वन कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। ब्लू कलर से अगर प्राइस पी से पी टू कम कर दूंगा तो डिमांड बढ़ जाएगी, क्यू से क्यू टू हो जाएगी। दिस इज एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इसी चीज को थियोरेटिकली मैंने नीचे एक्सप्लेन भी करा है। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्यों होता है, ये चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड होता है, इट अकर्स ड्यू टू प्राइस। प्राइस के चेंज की वजह से आपकी क्वांटिटी डिमांडेड में चेंज आता है। और अगर मुझे अपने इसके ग्राफ में शो करना होगा, इफ आई हैव टू शो द सेम इन द ग्राफ, तो मैं क्या कैसे शो करूंगा, आई विल शो इट बाय मूवमेंट अलोंग द डिमांड। मैं कोई नया डिमांड कर्व नहीं बनाऊंगा, मैं उसी डिमांड कर्व पे मूवमेंट करूंगा, या तो ऊपर की तरफ जाऊंगा या फिर नीचे की तरफ। अगर उसी डिमांड कर्व में मैं नीचे की तरफ जा रहा हूं, मैं डाउनवर्ड मूवमेंट कर रहा हूं, आई एम इंक्रीजिंग माय डिमांड, तो उसमें एक्सपेंशन कर। और अगर उसी डिमांड कर्व पे मैं ऊपर की तरफ जा रहा हूं, मैं अपनी डिमांड कम कर रहा हूं, तो मैं उसे कॉन्ट्रैक्शन करूंगा। आओ जरा इस चीज को हम यहां से एक बार दोबारा देख लेते हैं। अगर आप लोग ध्यान से इस ग्राफ को देखोगे तो आपको ये डिमांड नजर आ रहा होगा, ये जो मैंने डीडी आपकी लाइन बना रखी। जैसे हमने प्राइस को बढ़ाया, मेरी डिमांड जो है वो कम हो गई। हुआ क्या, जो आपका ये डिमांड था ये आपका ऊपर की तरफ चला गया, अपवर्ड मूवमेंट हो गई। अपवर्ड मूवमेंट क्या शो कर रही है, कॉन्ट्रैक्शन शो कर रही है। डिमांड कर्व पे जब भी कोई चीज बढ़ेगी तो वो नीचे की तरफ बढ़ेगी। डिमांड कर्व पे जब भी कोई चीज बढ़ेगी तो वो कैसे बढ़ेगी, नीचे की तरफ बढ़ेगी। तो चाहे मैं उसको एक्सपेंशन कह लूँ, चाहे मैं उसको डाउनवर्ड मूवमेंट कह, चाहे मैं किस चीज को कॉन्ट्रैक्शन कह लूँ या मैं उसको अपवर्ड मूवमेंट कह लूँ, दोनों का मतलब सेम। तो फर्स्ट टॉपिक जो आपको समझना था, दैट वाज मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व। डिमांड कर्व के ऊपर ही हम लोग मूवमेंट कैसे करते हैं, मैंने कहा ये होता किस वजह से है, प्राइस के चेंज की वजह से। कोई नया डिमांड कर्व नहीं बनता, उसी डिमांड कर्व पे आपको मूवमेंट करनी होती है। अगर प्राइस बढ़ाओगे तो क्वांटिटी डिमांडेड कम हो जाएगी, अगर प्राइस कम करोगे क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी। इस क्वांटिटी डिमांडेड को बढ़ाने को हम लोग एक्सपेंशन या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट कहते हैं, इसी क्वांटिटी डिमांडेड को कम करने को हम लोग कॉन्ट्रैक्शन या फिर अपवर्ड मूवमेंट कहते हैं। ये हमारा इसके अंदर पहला टॉपिक था। आई होप आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। अच्छा, अब इसी के अंदर अगला जो हमारे पास आता है, दिस इज आर चेंज इन डिमांड। मैंने आज की क्लास का एक मेजर पोर्शन आपको यही समझाने में लगाना है कि क्वांटिटी डिमांडेड में और डिमांड में फर्क क्या होता है। क्वांटिटी डिमांडेड हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्राइस चेंज की बात करते हैं। अगर प्राइस बढ़ा या अगर प्राइस कम हुआ, उससे क्वांटिटी डिमांडेड पे क्या चेंज आ रहा है, बस उतनी सी बात होती है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट निकलता है मूवमेंट होती है, या तो अपवर्ड मूवमेंट होती है या फिर डाउनवर्ड मूवमेंट होती है। अब उससे बिल्कुल अलग एक नया कॉन्सेप्ट है चेंज इन डिमांड। माइंड इट, मैं क्वांटिटी वर्ड नहीं यूज कर रहा, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ चेंज इन डिमांड। ये चेंज इन डिमांड क्यों होता है, दिस चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू फैक्टर्स अदर देन चेंज इन प्राइस। याद करो, डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से होते हैं। डिमांड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स होते हैं प्राइस ऑफ वन कमोडिटी, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस, साथ में एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर। अगर प्राइस चेंज हो रहा है तो वो तो क्वांटिटी डिमांडेड में चला गया। इस प्राइस चेंज को छोड़कर बाकी जितने भी फैक्टर्स डिमांड को अफेक्ट करते हैं, वो सब इस चेंज इन डिमांड के अंदर आते हैं। चाहे मैं सब्स्टिट्यूट गुड्स की बात कर लूँ, चाहे मैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स की बात कर लूँ, चाहे मैं इनकम ऑफ द कंज्यूमर कह दूँ, मैं टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कह दूँ आपको, या मैं आपको कह दूँ एक्सपेक्टेशन ऑफ प्राइस चेंज इन फ्यूचर, उन सबका रिजल्ट क्या निकलता है, उन सबका रिजल्ट निकलता है चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड किस वजह से होता है, चेंज इन डिमांड अकर्स ड्यू टू चेंज इन फैक्टर्स अदर देन चेंज इन प्राइस। अगर प्राइस में चेंज आएगा तो वो क्वांटिटी डिमांडेड में कवर हो गया। प्राइस को छोड़कर बाकी कोई भी फैक्टर का डिमांड को अफेक्ट करता है तो उसको हम यहाँ पे कवर करेंगे। इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट निकलता है कि एक नया डिमांड कर्व बनाया जाता है। पिछले वाले मैंने क्या समझाया था,
कोई नया डिमांड तो अब नहीं बनेगा, उसी पे ही ऊपर नीचे जाते रहेंगे, उसी पे मूवमेंट करते रहेंगे, बढ़ेगा तो डाउनवर्ड मूवमेंट कर लेंगे, कम होगा तो अपवर्ड मूवमेंट कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर शिफ्ट होगा। और शिफ्ट क्या हो सकता है बेटा, या तो राइटवर्ड शिफ्ट हो सकता है या फिर लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो सकता है, या तो राइट की तरफ जाओगे या लेफ्ट की तरफ जाओगे। अगर राइटवर्ड शिफ्ट दिखाओगे इसका मतलब है कि आपकी डिमांड इंक्रीज हो रही है, अगर लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाओगे इसका मतलब आपकी डिमांड जो है वो कम हो रही है, वो डिक्रीज हो रही है। इसी चीज़ को समझने के लिए आओ जरा हम लोग एक ग्राफ को भी यहाँ पर देखते हैं। सो आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा एक ग्राफ, अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो ये ग्राफ बेसिकली क्या दिखा रहा है हमारे को, ये ग्राफ हमारे को एक डिमांड कर्व शो कर रहा है जो हमने डीडी शो कर रखा है। प्लीज बहुत ध्यान से इसको समझने की कोशिश करना। ओके सो बहुत ध्यान से बेटा इस चीज को देखना, मैंने आपके सामने एक ग्राफ शो कर रखा है, अगर आप लोगों को नजर आ रहा हो, अगर आप इस ग्राफ को ध्यान से देखोगे तो आपके यहाँ पे इन्होंने क्या शो कर रखा है, हमारे को एक डीडी कर्व शो कर रखा है, हमारे को एक डिमांड कर्व शो कर रखा है। ये डिमांड कर्व जो मैंने आपको ब्लू कलर से शो करा है ये आपका एक्चुअल डिमांड कर्व है। सो ये जो आपका ब्लू कलर से शो कर रहा है ये आपके पास क्या है, ये आपका एक्चुअल डिमांड कर्व है। अगर आप इस चीज को देखोगे, अगर मुझे डिमांड में इंक्रीज लेकर आना है, मुझे डिमांड में क्या लेकर आना है, मुझे इंक्रीज लेकर आना, लेकिन प्राइस को चेंज नहीं करना, प्राइस अब भी वैसे का वैसा ही है, प्राइस को छोड़कर कोई और फैक्टर ऐसा है जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, तो प्राइस मैंने कॉन्स्टेंट ही रहने दिया, मैंने सिर्फ डिमांड में एक राइटवर्ड शिफ्ट शो कर दिया। जहां पहले आपका ब्लू कलर से डी डी शो हो रहा था, अब आपका रेड कलर से डी वन शो कर रहा है, विच शो केसेस द राइटवर्ड शिफ्ट। ये क्या शो कर रहा है हमारे को, ये हमारे को राइटवर्ड शिफ्ट शो कर रहा है। अगर मुझे इसी चीज में शो करना है कि मेरा डिमांड कम हो रही है, पहले मेरा डी डी था ब्लू कलर वाला, अब मुझे शो करना है कि लेफ्टवर्ड शिफ्ट हो रहा है, मैंने ग्रीन कलर से लेफ्ट की तरफ बना दिया, सिंपल सी बात है। और अगर आप देखोगे लाइन जो है प्राइस की वो एज इट इज है, प्राइस चेंज नहीं हो रहा, प्राइस पहले भी उतना था, प्राइस अब भी उतना ही है, प्राइस को छोड़कर कोई और ऐसा फैक्टर है जो डिमांड को अफेक्ट कर रहा है, प्राइस पी कांस्टेंट लाइन है, लेकिन क्यू क्यू से क्यू वन हो रहा है जब डिमांड बढ़ती है, और जब कम होती है तो वो क्यू से क्यू टू। तो आप ध्यान से इस चीज को समझो, हम जो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर टू वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एक हमारे पास यहाँ पर है चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, और एक हमारे पास यहाँ पर है चेंज इन डिमांड। चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड के अंदर जो हमने बात करी, हमने कहा सिर्फ मूवमेंट की बात कर रहे हैं, वो मूवमेंट भी अपवर्ड डाउनवर्ड होती है, कोई नया डिमांड कर्व नहीं बनता, और ये होती किस वजह से, इट अकर्स ड्यू टू चेंज इन प्राइस। हम जो अब डिस्कस कर रहे हैं चेंज इन डिमांड, इट अकर्स ड्यू टू ऑल फैक्टर्स अदर देन चेंज इन प्राइस। प्राइस को छोड़कर बाकी जितने भी फैक्टर्स हैं वो सबके सब यहाँ पर आते हैं। रिजल्ट क्या निकलता है, या तो राइटवर्ड शिफ्ट होती है या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती है। अगर डिमांड बढ़ेगी तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, अगर डिमांड कम होगी तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, एज सिंपल एज दैट। एक ओरिजिनल आपका डी डी था, अगर आपको क्वेश्चन वाला बोलता है इंक्रीज इन डिमांड दिखाओ तो उसकी राइट में कर्व बना दो, अगर क्वेश्चन वाला कहता है कि आपको कम डिमांड दिखाओ डिक्रीज इन डिमांड शो करो, लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखा दो, काम खत्म हो गया। अच्छा अब इसके अंदर एक दो ग्राफ्स मैं आपको खुद बनाकर दिखाता हूँ क्वेश्चंस के हिसाब से, आओ जरा उस वाली चीज को शुरू करते हैं। ओके सो आप इसको देखो, यहाँ पे हम लोग कुछ केसेस यहाँ पे डिस्कस करना शुरू करते हैं। आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा, मैंने यहाँ पे शो कर रखा है सम केसेस, यहाँ पे हेडिंग है एंड आई हैव शोन हियर अ डिमांड कर्व, जहाँ मैं लिखा हुआ है प्राइस ऑफ कॉफी और मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिमांड ऑफ कॉफी। इसके पहले वाले में कह रहा है इफ प्राइस ऑफ टी राइजेस, क्या कह रहा है आपको फर्स्ट वाले में, फर्स्ट वाले को कह रहे हैं क्या होगा अगर टी का प्राइस बढ़ जाए, व्हाट वुड हैपन इफ द प्राइस ऑफ टी राइजेस। ध्यान से इस चीज को समझना, अगर टी का प्राइस बढ़ता है तो लोग क्या करेंगे, लोग टी को छोड़ देंगे, लोग टी को छोड़ के किसकी तरफ आएंगे, लोग टी को छोड़ के कॉफी की तरफ आएंगे। अगर लोग टी को छोड़ के कॉफी की तरफ आएंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, हमारे यहाँ पे प्राइस कॉफी का चेंज नहीं हो रहा, दिस शोज चेंज इन फैक्टर अदर देन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। इसका रिजल्ट क्या होगा, आपको शिफ्ट शो करना पड़ेगा, और शिफ्ट आप कौन सा शो करोगे, शिफ्ट आप शो करोगे राइटवर्ड शिफ्ट। तो ये आपका डी डी से क्या बन जाएगा, ये आपका डी डी से डी वन बन जाएगा। ऐसे ही सेकेंड वाला देखो, मैंने ये चीज आपको रेड कलर से डिमार्केट करके शो करी है, जहां मैंने कहा अगर आपके टी का प्राइस राइज हो जाता है इसका रिजल्ट क्या निकलता है, इसका रिजल्ट निकलता है लोग टी को छोड़ देंगे, लोग टी को छोड़कर कॉफी की डिमांड को बढ़ा देंगे। एंड कॉफी की डिमांड बढ़ने का मतलब क्या है, हमने यहाँ पे ये आपका राइटवर्ड शिफ्ट शो कर दिया।
ये D1 D1 क्या है, ये D1 D1 आपका राइटवर्ड शिफ्ट है। अच्छा, इसी में ही एक और चीज देखते हैं, आपको कह रहे हैं प्राइस ऑफ कॉफी फॉल्स। मुझे एक बात बताओ, अगर कॉफी का प्राइस फॉल हो जाता है, मैं यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, अगर आपका कॉफी, कॉफी छोड़ो मैं यहाँ पे टी को ही लेता हूँ, लेट अस लीव कॉफी, हम यहाँ पर किसको अभी स्टडी कर रहे हैं, हम लोग टी को स्टडी कर रहे हैं, एंड मैं उसी चीज को लेता हूँ। मैं कहता हूँ पहले केस में मैंने कहा था प्राइस ऑफ टी राइजेस, ये कहा था हम लोगों ने फर्स्ट वाले में, सेकंड वाले में हम कह रहे हैं प्राइस ऑफ टी फॉल्स। अगर प्राइस ऑफ टी फॉल हो जाता है, इसका रिजल्ट क्या निकल कर आता है बेटा, अगर टी का प्राइस आपका गिर जाएगा, लोग कॉफी को छोड़ देंगे, लोग कॉफी को छोड़कर टी को कंज्यूम करना शुरू कर देंगे, तो होगा क्या, आपकी जो कॉफी की डिमांड है ये कम हो जाएगी। इसी कॉफी की डिमांड को कम शो करने के लिए हमारे को क्या दिखाना पड़ेगा, हमारे को इसके अंदर एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाना पड़ेगा, और लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाना कुछ मुश्किल थोड़ी ना, आपने सिर्फ यहाँ पे लेफ्ट साइड के अंदर एक लाइन शो कर दी, ये आपका जो D2 D2 है ये आपका क्या है, ये आपका लेफ्टवर्ड शिफ्ट है। आई होप कि चीज आपको क्लियर हो रही होगी, सिंपल। अगर मैं यहाँ पे बेटा टी की जगह कॉफी रहने देता, अगर मैं यहाँ पे प्राइस ऑफ कॉफी फॉल से रखता, तो बेटा प्राइस में ही चेंज आ रहा है, फिर तो मूवमेंट शो करनी पड़ती, तब कोई शिफ्ट दिखाना ही नहीं था मुझे। अच्छा, एक और चीज देते हैं, इस कॉन्सेप्ट को और क्लियर करते हैं। आप देखो मैंने आपके सामने यहाँ पे एक और बना रखा है, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है प्राइस ऑफ पेट्रोल, और मैंने लिखा हुआ है डिमांड ऑफ पेट्रोल, और मैंने यहाँ पे एक डिमांड कर्व भी आपको बनाकर दे रखा है। पहले केस में कह रहे हैं आपको, फर्स्ट केस में दे आर सेइंग दैट प्राइस ऑफ कार राइजेस, कार का जो प्राइस है ये क्या हो जाता है, कार का प्राइस है ये बढ़ जाता है। अगर आपकी कार का प्राइस बढ़ जाता है तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, लोग जो हैं वो कार की डिमांड को कम कर देंगे, लोग कहेंगे हमारे को कार नहीं खरीदनी। अगर लोग कार नहीं खरीदेंगे तो लोग पेट्रोल पे क्या करेंगे, पेट्रोल की डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। और इसी चीज़ को शो करते हम लोग कैसे हैं, एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट दिखाकर। तो मुझे कुछ भी नहीं करना, मुझे सिर्फ यहाँ पर एक लेफ्टवर्ड शिफ्ट शो कर देना, जस्ट दिस, ये मैंने यहाँ दिखा दिया D1 D1। अच्छा, अगर प्राइस ऑफ कार फॉल्स, अगर कार का प्राइस कम हो जाता है तो क्या होता है, अगर कार का प्राइस कम होता है तो इसका रिजल्ट ये निकल कर आता है, लोग जो हैं ये कार की डिमांड को बढ़ा देते हैं। अगर लोग कार की डिमांड को इंक्रीज कर देते हैं, कार की डिमांड को बढ़ा देते हैं, तो उनको पेट्रोल की डिमांड को भी बढ़ाना पड़ेगा। और अगर आप पेट्रोल की डिमांड को बढ़ाओगे, इसी चीज़ को शो करने के लिए हम लोग एक राइटवर्ड शिफ्ट दिखा देंगे। और राइटवर्ड शिफ्ट हम लोग कैसे दिखाएंगे, बस इसके राइट के अंदर हमने एक लाइन बना दी पैरेलल, इसको हमने यहाँ लिख दिया D2 D2, ये हमारा शो के राइटवर्ड शिफ्ट, एज सिंपल एज दैट। सो ये हमारे पास चीजें होती हैं। मैं एक एग्जांपल आपके साथ और डिस्कस करता हूँ, जहां पे मैं सिर्फ उस ओन कमोडिटी की बात करता हूँ, वहां पर हमारे को क्या करना पड़ेगा, आप सिर्फ मूवमेंट करनी पड़ेगी हमारे को। अच्छा, आओ जरा इस चीज को देखते हैं, एक और केस डिस्कस करते हैं। मैंने यहाँ पे लिखा प्राइस ऑफ पेन, मैंने यहाँ पे लिखा डिमांड ऑफ पेन, यहाँ पे लिखा हुआ है क्या होगा अगर प्राइस पेन का बढ़ जाए, क्या होगा अगर प्राइस पेन का कम हो जाए। मान लो बेटा यहाँ पे पेन की जगह इंक लिखा होता, अगर यहाँ पे पेन की जगह इंक लिखा होता ना, तो आपको जाना पड़ता वही चेंज इन डिमांड पे, राइटवर्ड शिफ्ट होता या लेफ्टवर्ड शिफ्ट होता। अब इस केस में क्या डिस्कस कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ओन कमोडिटी के प्राइस में ही चेंज आ रहा है। अभी हमने पढ़ा, अगर ओन कमोडिटी के प्राइस में ही चेंज आता है, ओन कमोडिटी का प्राइस ही बढ़ता है या फिर कम होता है, तो लॉ ऑफ डिमांड वाला केस हो गया। वहां पे तो मूवमेंट होती है ना, राइटवर्ड शिफ्ट शो करना होता है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट शो करना होता है। अगर मैं प्राइस पेन का बढ़ा देता हूँ, ये पहले आपका प्राइस था, मान लो मैं इसको ऐसे करके ये पी से पी वन इसको बढ़ा देता हूँ, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, मेरी क्वांटिटी जो है ये कुछ ऐसे हो जाएगी, Q से Q1 कम हो जाएगी। अगर मैं कहता हूं मैं प्राइस पेन का कम कर देता हूं, मान लो मैं इसको ये P2 कर देता हूं, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका रिजल्ट निकलेगा मेरी क्वांटिटी जो है ये मेरी Q से Q2 हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो ये जो है हमारा, ये क्या है, दिस इज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, जहां पे हम लोग प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी की बात कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे, इससे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि अगर हमारे उस कमोडिटी के प्राइस को छोड़कर किसी और चीज में चेंज होता तो क्या होता है। यहाँ पे हमने पेट्रोल लिख रखा था और चेंज किसकी बात कर रहे थे, कार के प्राइस की। ऊपर वाले केस में क्या था, ऊपर वाले केस में हम लोगों ने यहाँ पे कॉफी लिख रखा था
और चेंज किसका डिस्कस कर रहे थे, ठीक है, प्राइस का। तो हम लोगों ने यही बात बेटा आज की क्लास में डिस्कस करनी थी, जो मेन है आपको सबसे पहले ये मतलब समझ आना चाहिए कि क्वांटिटी डिमांडेड में और डिमांड में फर्क क्या होता है। क्वांटिटी डिमांडेड होता है ओनली बिकॉज ऑफ चेंज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी, जबकि चेंज इन डिमांड टेक्स प्लेस बिकॉज ऑफ फैक्टर्स अदर देन चेंज इन प्राइस ऑफ ओन कमोडिटी। ये हमारे पास पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट था। इसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट 5 नंबर का डिफरेंस भी पेपर के अंदर आ सकता है, इसको ध्यान से पढ़ना। विद दिस हमारा पूरा का पूरा चैप्टर डिमांड का खत्म है। जो मर्जी क्वेश्चन आपके पेपर के अंदर दे दें, अगर आपने इन 4 लेक्चर्स को देखा है तो आप उनको आंसर कर सकते हो, दिस आई कैन गारंटी। सो विद दिस डिमांड हमारा ऑफिशियली ओवर है। अगर आपको ये सीरीज, ये लेक्चर फ्रूटफुल लगता है, डू लाइक द वीडियो, लीव योर वैल्यूएबल कमेंट्स, एज दिस सर्व्स अ ह्यूज मोटिवेशन बूस्टर फॉर मी। हम लोग आने वाले चैप्टर्स को भी यहाँ पर लेकर आते जाएंगे। स्टैटिस्टिक्स का भी लेक्चर नंबर 1 में अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको भी साथ में देख सकते हो। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।